आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है उष्मागतिकी। इस उष्मागतिकी का चैप्टर है ये, क्लास 11th का चैप्टर नंबर 6 पार्ट 1 हम डाल चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट में डायनामिक्स के नाम से आप चैप्टर सर्च कर सकते हैं या फिर आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर थर्मोडायनामिक्स बाई शिवम कुमार या शिवम सर, तो आपको मेरी वीडियोज मिल जाएगी। आज पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम क्या पढ़ चुके हैं, पार्ट 1 में हम पढ़ चुके हैं कि गहन गुण एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती हैं और विस्तृत गुण क्या होते हैं, मतलब मात्रात्मक गुण क्या होते हैं, इसके साथ साथ में तंत्र क्या होता है, परिवेश क्या होता है, ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं। और हम पढ़ चुके हैं कि उष्मागतिकी किसको कहते हैं। आज जो हमारा टॉपिक होगा, पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ, अगर आपके अंदर केमिस्ट्री का डर है तो आज से ही आपका केमिस्ट्री का जो डर है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, छू मंतर हो जाएगा। बस इस चैनल को क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के लिए क्या करना होगा, रेड कलर का बटन नीचे दिख रहा होगा उसको दबा दो। दबाने के बाद उसके बराबर में घंटी आएगी, घंटी को दबा देना और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, ठीक है। मेरा नाम है शिवम कुमार और मेरी बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से है, एमएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है और मेरा स्पेशलाइजेशन केमिस्ट्री, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आपका केमिस्ट्री का डर यहाँ से निकल जाएगा। 11th क्लास के बच्चों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है, तो अब हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए रेगुलर इंटरवल के बाद एक दिन या दो दिन के बाद आपके साथ हम वीडियो शेयर करें। कैसी वीडियो आपको लगती हैं, आपका हमारी वीडियोज़ के बारे में क्या सोच है, आपको किस तरह की वीडियोज़ चाहिए, आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले हैं उष्मागतिकी का प्रथम नियम, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंट है आपका बीएससी के लिए भी और 11th क्लास के लिए, उष्मागतिकी थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ, उष्मागतिकी का प्रथम नियम। क्या कहता है ये नियम, जो ये नियम है ये आधारित है ऊर्जा संरक्षण के नियम पे। किस पे, ऊर्जा संरक्षण के नियम पे, नियम पर, ठीक है। इस नियम के अनुसार, क्या इस नियम के अनुसार ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है, ठीक है, एनर्जी नॉट क्रिएट नाइदर डिस्ट्रॉय। ऊर्जा को ना तो आप क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, ना तो पैदा कर सकते हैं, ना ही नष्ट कर सकते। ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है, ठीक है, और न ही पैदा किया जा सकता है, बल्कि इसे जब ना तो पैदा किया जा सकता, ना इसको नष्ट किया जा सकता, तो क्या किया जा सकता, एक रूप से दूसरे रूप में क्या किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। तो ये है आपका ऊर्जा संरक्षण का नियम, या फिर आप इसको बोल सकते हैं उष्मागतिकी का प्रथम नियम। क्वेश्चन को समझने, मतलब कि इस टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, उसको ना तो आप खत्म कर सकते हैं, मतलब कि ना तो उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना ही उसको क्रिएट कर सकते हैं, ना ही उसको पैदा कर सकते हैं, लेकिन एक रूप से दूसरे रूप में आप उसको क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। आप डेली लाइफ में बहुत देखते होंगे, ठीक है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कितनी जगह आप इस चीज़ को देखते हैं कि जो एनर्जी है हम उसको क्या करते हैं, यूज करते हैं दूसरी चीज़ों में, जैसे दहन उष्मा जो होती है या दहन ऊर्जा जो है उसका यूज करते हैं कि जिससे हमारा क्या हो, बाइक चलती है, गाड़ी चलती है, तो उसमें होता क्या है, उसमें जो ईंधन डालते हैं उसको क्या जाता है, उसको उसका दहन किया जाता है, वहाँ से जो ऊर्जा या उष्मा जो हमें मिलती है उसका हम यूज करते हैं। सौर ऊर्जा का आपको देखते हैं, सौर ऊर्जा का हम यूज करते हैं, तो ऊर्जा को हम अपनी डेली लाइफ में क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, लेकिन एक रूप से क्या करते हैं, दूसरे रूप में उसको चेंज करते रहते हैं। कभी भी ऊर्जा ना तो ख़त्म होती है, ना ही पैदा की जा सकती है। अगर हम इसको मैथमेटिकल लिखने की कोशिश करें, किसी सिस्टम के ऊपर बात करें, तो एक टर्म आएगी आंतरिक ऊर्जा। पहले तो मैं इस आंतरिक ऊर्जा के बारे में आपको बता दूं, पिछली वीडियो में मैंने शायद इसके बारे में कंप्लीट बता दिया था, अवस्था फलन आंतरिक ऊर्जा, छोटा छोटा सा बता दे रहा हूँ, ये पूरा टॉपिक आएगा तो तब हम इसको अच्छे समझ लेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा बता दूँ। आंतरिक ऊर्जा का मतलब है कि उसको किसी भी तंत्र के अंदर ही, उसको हम क्या बोल देंगे, आंतरिक ऊर्जा बोल देंगे, ठीक है। आंतरिक ऊर्जा का मतलब अंदर की ऊर्जा जो सिस्टम में पहले से ही निहित है,
ठीक है, तो आंतरिक ऊर्जा को हम क्या लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं और यू भी लिख सकते हैं, दोनों तरह से हम इसको डिनोट किया जाता है, ए से भी और यू से भी। अब ये ई या फिर यू एक ही चीज़ है, अलग अलग नहीं, कभी इनको अलग अलग समझ लो। आंतरिक ऊर्जा भी क्या है, एक अवस्था फलन है। हमने पिछली वीडियो में बताया था अवस्था फलन किसको बोलते हैं, स्टेट फंक्शन किसको बोलते हैं। ऐसी कोई फिजिकल क्वांटिटी, ऐसी ऊष्मागतिकी के वे भौतिक गुण जो किसी भी क्या करते हैं, पथ के प्रथम पद पे और अंतिम पद पे निर्भर करते हैं, पथ पे निर्भर नहीं करते, मतलब प्रारंभिक अवस्था पे, किसी भी परिवर्तन की प्रारंभिक अवस्था पे और अंतिम अवस्था पर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं, बीच के रास्ते पे निर्भर नहीं करते हैं, उनको ही हम क्या बोलते हैं, अवस्था फलन बोलते हैं। और अवस्था फलन को एक्यूरेट ज्ञात करना इम्पॉसिबल है, आप सिर्फ इसमें क्या निकाल सकते हैं, इसमें चेंज निकाल सकते हैं, ई नहीं निकाल सकते, डेल्टा ई निकाल सकते हैं। तो डेल्टा ई या फिर टर्म बन जाएगी यहाँ से डेल्टा यू। अब वो क्या कहते हैं कि अगर आप किसी सिस्टम को क्यों ऊष्मा दे रहे हैं, क्या है, कोई सिस्टम है, उस सिस्टम को आप क्या कर रहे हैं, क्यों ऊष्मा दी जा रही है, ठीक है, किसी सिस्टम को, किसी तंत्र को, किसी निकाय को आपने क्या दिया, क्यों ऊष्मा दी या फिर ऊर्जा दी, क्योंकि ऊष्मा क्या होता है, ऊर्जा का ही एक रूप होता है, आपने क्या किया, क्यों ऊष्मा उसको दी किसी तंत्र को, तो ये ऊष्मा क्या होगी, ये ऊष्मा का वो यूज करेगा किसमें, काम करने में, तो क्या करेगा वो, यहाँ से कुछ कार्य करेगा और जो बच जाएगी, ठीक है, जो बच जाएगी, मान लो उसने क्या किया, क्यों ऊष्मा दी, तो इसका कुछ रूप तो क्या करेगा, कुछ तो वो काम करने में खर्च करेगा, ठीक है, काम करने में मतलब डब्लू, और कुछ जो बचेगी वो कहाँ पे चल जाएगी, उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि कर देगी। दोबारा समझते, अगर किसी तंत्र को क्यों ऊष्मा दी जाती है तो ये दो जगह बढ़ जाती है, नंबर एक उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करने में और दूसरा उसके द्वारा किए गए कार्य करने में। इसको एक और छोटे से एग्जाम्पल समझते हैं, आपके घर वालों ने आपको 10 रुपये दिए या 100 रुपये दिए, 10 तो छोटे से हो गए ना, 100 रुपये दे दिए, राजमा दो कोई नहीं देने वाला, ठीक है, कमाओगे तो अच्छे से रह जाओगे, मतलब अपने खर्चे कर सकते हो। सपोज करो आपको 100 रुपये आपके घर वालों ने दिए कि ये बेटा शहर जाओ, आओ कुछ काम करने के लिए, आपके आपके खर्च जो हुए वहाँ पे जाने आने में वो हुए 50 रुपये, या मान लो 60 रुपये आपके खर्च हो गए, तो बचे कितने, 40, तो दो जगह हो गए ना, एक तो आपने खर्च किए, खर्च किए का मतलब क्या, आपने डब्लू काम किया, और जो 40 रुपये बच गए उन्होंने हिसाब नहीं लिया, उनके अकॉर्डिंग भाई 100 रुपये आपको दे दिए, वे 40 रुपये कहाँ गए, आपके पॉकेट मनी जो आपने सेव करके रखा हुआ है उसमें जुट जाएंगे। अगर आप गुल्लक वगैरह रखते हैं, वैसे रखते होंगे नहीं, ठीक है, मुझे इतना उम्मीद नहीं है कि आजकल कोई रखता होगा, अगर आप रखते हैं, बैंक रखते हैं, कुछ बैंक अकाउंट रखते हैं, तो क्या करेंगे आप उस छोटी छोटी मनी को क्या करोगे, क्या करोगे, डेल्टा ई। तो अब डेल्टा ई का भी थोड़ा सा आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा, जो आपका बैंक अकाउंट है अपना खुद का, वो आपकी आंतरिक ऊर्जा है, ठीक है, आपको 100 रुपये दिए गए, 60-70 रुपये आपके खर्च हो गए, तो जो बचे, ठीक है, टोटल खर्च नहीं करने हैं, टोटल कुछ बचाना भी है, जो बचे वो क्या होगी, आपके पॉकेट मनी, मतलब आपकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि कर देंगे। तो ये होता है आपका फर्स्ट लॉ, किसी तंत्र को दी गई ऊष्मा उसके द्वारा किए गए कार्य तथा उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के योग के बराबर होता है। ये था ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। और हमारे इसमें क्या टॉपिक बचा हुआ है, तो इससे भी देख लेते हैं, इसने क्या बता रखा है, ऊर्जा न तो नष्ट की जा सकती है, न ही उत्पन्न की जा सकती है, बल्कि उसका स्वरूप बदला जा सकता है। जो हमने बताया था आपको कि क्या किया जा सकता है, उसको चेंज किया जा सकता है। इस ब्रह्मांड में कुल ऊर्जा नियत है। अब हमने कहा कि ऊर्जा नहीं बदली जा सकती, ना उसको हम खत्म कर सकते हैं, ना उसको हम पैदा कर सकते हैं। तो जो ब्रह्मांड है, जो यूनिवर्स है, इस संसार की कुल ऊर्जा क्या है, स्थिर है। स्थिर होने का मतलब नहीं बदलेगी, कम या ज़्यादा नहीं होगी, कॉन्स्टेंट है एनर्जी पूरे यूनिवर्स की। ऐसा नहीं है कि कुछ ज़्यादा कर देंगे या हम उसको कम कर देंगे, ठीक है। अगर हम इसका गणितीय रूप देखें तो डेल्टा यू इज कोस टू क्या हो जाता है, क्यू प्लस डब्लू। डेल्टा डेल्टा यू इज कोस टू क्यू प्लस डब्लू। तो ये था आपका फर्स्ट नियम। इसमें थोड़ा सा आप अगर और मॉडिफाइड कर सकते हैं, मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा डीप जाएं, तो ये कभी भी आप प्लस डब्लू नहीं कह सकते हैं, ये प्लस या माइनस डब्लू हो सकता है। प्लस डब्लू का मतलब और माइनस डब्लू का मतलब क्या होगा, देखो सिंपल सी बात है। एक तो कंसेप्ट होता है कि अगर निकाय कोई कार्य करे, क्या, अगर कोई निकाय कोई कार्य करता है या फिर निकाय पर कोई कार्य होता है, तो दो कंसेप्ट होते हैं, एक में प्लस डब्लू लिया जाता है और एक में माइनस डब्लू लिया जाता है। अब सिंपल सी बात करो, अगर मैं कह रहा हूँ मेरी कुछ आंतरिक ऊर्जा है, ठीक है, क्या है, मेरी कुछ आंतरिक ऊर्जा है, अगर मैं कुछ काम करूँगा,
क्या करूँगा, कुछ कार्य करूँगा तो क्या होगा, बताओ। सिंपल सी बात है, अगर मैं कुछ कार्य करूँगा तो जो मेरी आंतरिक ऊर्जा है वो क्या होगी, कम होगी। लेकिन अगर मैं कुछ खाना खाऊंगा, कोई चीज़ ऐसी खा रहा हूँ एनर्जी की, तो क्या होगा, आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होगी। तो यहाँ पे से भी आपको समझना है कि निकाय पर अगर कार्य किया जाता है, निकाय पर कार्य किया जाता है तो उसकी आंतरिक ऊर्जा में क्या होती है, वृद्धि होती है, और अगर निकाय द्वारा कार्य किया जाएगा तो उसकी आंतरिक ऊर्जा में क्या होगी, कमी होगी। तो इस अगर कुछ इसको हम पूरे अच्छे से लिखना चाहें तो क्यू बराबर क्या होता है, डेल्टा ई प्लस माइनस डब्लू। तो ये था ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। आपको ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में अपने विचार हमें जरूर कमेंट बॉक्स में जाके कहें। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को तो प्रेस कर दें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। पार्ट वन देखने के लिए आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं, या फिर ऊपर बेल आइकन में आपको मिलेगा, या वीडियो के लास्ट में भी आपको वो देखने को मिल जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उस तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।